वेलकम टू माय न्यू वीडियो। यार आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो है ऑनलाइन अर्निंग हम कैसे की जाती है। यार ऑनलाइन अर्निंग ना करना बेहद आसान है, इसके लिए आपको बस यही चाहिए कि आप सही डायरेक्शन पे और सही टाइम पे आप सही फोर्स अपने लगाएं और अपना टाइम सही इन्वेस्ट करें। तो जो है ना हमारे पास ऑनलाइन अर्निंग के बहुत से मेथड हैं, लेकिन यूट्यूब उनमें से एक है। तो आज यार मैं आपको बताऊंगा कि YouTube पे आप कौन से टॉपिक पे चैनल बना सकते हैं और अपना चैनल रन कर सकते हैं। चले मैं आपको बता देता हूँ। यार दरअसल ना बात ये होती है, कई लोगों के आप में से जो देख रहे हैं उनके चैनल होंगे, लेकिन उनके चैनल रन नहीं कर रहे, उनके पास सब्सक्राइबर्स नहीं आ रहे, उनके पास व्यूवर नहीं आ रहे। तो इसका मेन रीजन यही होता है कि आपके टॉपिक्स ठीक नहीं होते। आज जो मैंने आपको टॉपिक बताने हैं वो तमाम जो है ना वो ट्रेंडिंग और मनी मेकिंग है, और इससे आपको ना व्यूअर्स भी आएंगे आपके पास, सब्सक्राइबर, मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके पास अर्निंग आएगी, मनी आएगी आपके पास। तो यार इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखें और दैट्स इट। चले मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले यार आप चैनल एक बना सकते हो, टॉप 10, टॉप 5, मतलब टॉप 10 मूवीज हो गई, टॉप 10 सॉन्ग हो गए, टॉप 10 एक्टर्स हो गए, आप कुछ भी ले सकते हो, आप इसमें ऐड कर सकते हो और आप एक चैनल बना सकते हो। उसके बाद यार आप अगर आपको फोटोग्राफी आती है, फोटोग्राफी पे भी आप एक चैनल बना सकते हो। अगर आप प्रोफेशनल फोटोग्राफर हो तो उसके ऊपर आप चैनल बना सकते हो और आप बता सकते हो लोगों को कि अच्छी फोटो कैसे कैप्चर की जाती है। उसके बाद अगर आप एस्ट्रोलॉजिस्ट हो आप उसके ऊपर एक चैनल बहुत ही बेहतरीन बना सकते हो। अगर यार दूसरे और उसके बाद अगर आपको बाइक या कार रिपेयरिंग आती है आप उसके ऊपर एक चैनल बना सकते हो। मोबाइल रिपेयरिंग पे एक चैनल बना सकते हो, उसके ऊपर पूरा आपको एक चैनल मिल जाएगा, वो प्लेटफॉर्म होगा, आप उसके ऊपर जो मर्जी अपलोड कर सकते हो। तो उसके बाद अगर आपको आती है एजुकेशन, आप मतलब लैंग्वेज आती है, आप मुख्तलिफ लैंग्वेज जानते हैं, आप उसके ऊपर एक चैनल बना सकते हो लोगों को सिखाने के लिए। उसके बाद यार एक आप चैनल बना सकते हो व्लॉग का, अगर आपको व्लॉगिंग का शौक है आप उसके ऊपर एक चैनल बना सकते हो। अगर आप टूरिस्ट और टूरिज्म का आपको शौक है मुख्तलिफ कंट्रीज में जाने का, आप उसके बारे में बता सकते हो, अपने एक्सपीरियंस के बारे में बता सकते हो कि मैं इस जगह पर गया और ये मैंने किया, ये उसकी स्पेसिफिकेशन जगह की, ये सब चीजें आप बता सकते हो, सजेशन दे सकते हो। उसके बाद यार आप कैरियर सजेशन दे सकते हो, जैसे अगर आप किसी को ये बता देंगे अगर आप डॉक्टर बनते हैं तो आपको ये फायदा होगा, डॉक्टर बनने के लिए आपको ये चीजें चाहिए, इतनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ये सिस्टम है, ये सब कुछ आप बता सकते हो। इंजीनियर बनने के लिए क्या करना पड़ता है, और अगर आप कोई बंदा आर्मी ऑफिसर बनना चाहता है तो उसके लिए उसे क्या करना पड़ता है, पुलिस ऑफिसर बनना चाहता है उसके लिए उसे क्या करना पड़ता है, आप ये सब चीजें उसे बता सकते हैं। अगर कोई बैंक में जाना चाहता है उसका कैरियर कैसा होगा, उसमें अर्निंग कितनी होगी, और ये सब चीजें आप उसमें बता सकते हैं। उसके बाद अगर आपको शौक है गार्डनिंग का, फार्मिंग का, उसके बारे में आप एक चैनल बना सकते हैं, उसके बारे में आप बता सकते हैं कि आप प्रोडक्टिविटी किस तरह बढ़ा सकते हैं और अपने कम पैसों में आप ज्यादा पैदावार कैसे हासिल कर सकते हैं। उसके बाद यार एक हमारे पास एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन आ जाता है कवर का, कवर सॉन्ग हो गए, कवर डांस हो गया, और उसमें भी आप एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद यार आप घरेलू नुस्खे हो गए, उसके बारे में एक बहुत ही अच्छा चैनल बना सकते हैं, मतलब आप उसमें बता सकते हैं कि अदरक के क्या फायदे हैं, पुदीने के क्या फायदे हैं, आप इस तरह की वीडियो बना सकते हैं। और हमारे पास कुकिंग चैनल आ जाते हैं, आजकल बहुत ही फेमस हो रहे हैं। हाँ उसमें अब कंपटीशन बढ़ गया क्योंकि ये जो कुकिंग चैनल्स हैं बहुत ज्यादा हो चुके हैं, टेक्नोलॉजी चैनल्स ये बहुत ज्यादा हो चुके हैं, हमारे पास ब्यूटी टिप्स ये बहुत ज्यादा हो चुके हैं। तो आप मतलब अगर टेक्नोलॉजी का बनाना चाहते हैं ना तो उससे रिलेटेड थोड़ा सा बनाएं, कि कंटेंट आपका थोड़ा सा चेंज हो जाए, टॉपिक आपका टाइटल अच्छा हो, मतलब आप टेक्नोलॉजी बना सकते हैं, ह्यूमर मतलब मजाक बनाया जाता है उसमें, ह्यूमर्स होते हैं, मतलब वो थोड़ा सा ना होता है टेक्नोलॉजी के ऊपर ही है, लेकिन वो थोड़ा सा उससे चेंज होता है, उसमें मजाक किया जाता है। जैसे आप लिख सकते हैं टाइटल में कि आप अपने इंटरनेट की स्पीड 100 times कैसे बढ़ा सकते हैं, तो इस तरह के आप उसमें टॉपिक्स यूज कर सकते हैं। उसके बाद यार अगर आप
आपको शौक है जिम का, एक्सरसाइज का आपको पता है अच्छी तरह से, चाहे वो लेडीज हों या जेंट्स हों, आपको जो स्किल्स भी आती हैं आप वो भी उसकी भी वीडियो बना के शेयर कर सकते हैं। अगर उसके बाद अगर आपको मिमिक्री का शौक है, कॉपी किसी को कर सकते हैं आप, उसके बारे में भी एक चैनल बना सकते हैं। और उसके बाद यार आप एक बायोग्राफी का चैनल बना सकते हैं, मतलब अगर आपको देखते हैं कोई सक्सेसफुल बंदा है उसकी बायोग्राफी लिख सकते हैं, उसके बारे में आप बता सकते हैं, उसके बारे में और चीजें भी बता सकते हैं, मतलब वो कहाँ पे पैदा हुआ, कहाँ पर रहा और अब कहाँ पे रह रहा है, और उसकी कितने सैलरी है, और ये सब चीजें आप बता सकते हैं। उसके बाद अगर आपको इंटरव्यू का शौक है तो आप इंटरव्यू पे एक चैनल बड़ा ही जबरदस्त बना सकते हैं, और आजकल तो बहुत ही वो ट्रेंडिंग पे जा रहा है इंटरव्यू के चैनल। तो उसके बाद आपके पास आप एक जो है ऑप्शन ना, साइंस एक्सपेरिमेंट्स जो स्कूल में किए जाते हैं, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, आप उसके ऊपर भी एक वीडियो बना सकते हो। उसके बाद यार अगर आपको शायरी पोएट्री पॉइम्स ये सब चीजें अगर आपको अच्छी लगती हैं पढ़ना बोलना, तो आप इसके ऊपर भी एक चैनल बना सकते हो। अगर आपको वेब डिवेलपमेंट आती है तो आप वेब डिवेलपमेंट पे भी एक चैनल बना सकते हो। सॉफ्टवेयर डिवेलपमेंट जो भी आपको आते हैं आप उसके ऊपर चैनल बना सकते हो। उसके बाद यार अगर आपको मैजिक जादू वगैरह आता है उसके ऊपर भी आप एक चैनल बना सकते हो। अगर आपको उसके बाद अगर आपको इंश्योरेंस की नॉलेज है तो आप इंश्योरेंस की पॉलिसीज और उसकी कंपनीज उसकी सब लिस्ट के बारे में आप वो सब चीजें लोगों को बता सकते हैं, वो भी चैनल बड़ा ही जबरदस्त चलेगा आपका। यार अगर उसके आप बाद डॉक्टर हैं तो आप डिजीज के बारे में बता के, आप डिजीज के बारे में प्रिकॉशंस के बारे में बता के आप उसके ऊपर भी एक चैनल बना सकते हैं। उसके बाद अगर आप फैशन के बारे में जानते हैं आप बता सकते हैं कि आपको ड्रेस कैसा पहनना चाहिए, आपको हेयर स्टाइल कैसा रखना चाहिए, आपको जूते कैसे पहनने चाहिए, तो आप उसके ऊपर भी एक चैनल बना सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट उसके बारे में भी एक अलग से चैनल बना सकते हैं। तो उसके बाद जो है आप अगर आपको कार्टून एनिमेशन आते हैं आप उसके ऊपर भी एक चैनल बना सकते हैं। हार्डवेयर नेटवर्किंग के बारे में पता है, मनी क्रिएटिंग डिफरेंट आइडियाज उसके बारे में आप एक चैनल बना सकते हैं। उसके बाद अगर आपको आर्ट पेंटिंग वगैरह इसका शौक है तो आप उसके ऊपर भी एक बहुत ही जबरदस्त सा चैनल बना सकते हैं। अगर आपको गूगल एडसेंस के बारे में पता है तो आप उसके बारे में भी एक चैनल बना सकते हैं। बाकी ये काफी टॉपिक्स हो गए हैं, तो मेरा ख्याल है कि अब आपको बैठकर खुद सोचना चाहिए कि आप किस बारे में अच्छा चैनल बना सकते हैं और उसे ग्रो कर सकते हैं। यार ये जरूरी नहीं कि मैंने क्या बताया, आपके जहन में क्या चल रहा है ये जरूरी है। तो बैठिए सोचिए और लग जाइए, कर दीजिए जो तय देखा जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।